भुजिया बनाना सिखाएंगे। इसीलिए हम सबसे पहले सीका हुआ रवा लेंगे, इसे हमने घी में सेक लिया है। इसके अंदर हम शक्कर पूरा मिलाएंगे, स्वाद अनुसार। इसके अंदर हम खोपरा डालेंगे 3 चम्मच। इसके अंदर हम खसखस डालेंगे 1 चम्मच। इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें काजू बादाम किशमिश है। अब हम इलायची पाउडर डालेंगे, इसमें केसर डालेंगे, जिसमें मिक्स है। अब हम इसमें मावा डालेंगे इतना, और इस सबको हाथ से मैश कर लेंगे। अभी हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, अब हम इसे एक साइड। अब एक बाउल में हम मैदा लेंगे, उसके अंदर हम मोयन के लिए 2 चम्मच तेल डालेंगे, और इसे हाथ से इस तरह मिला लेंगे, और इसे थोड़ा पानी डाल के पूड़ी के आटे की तरह हम भून लेंगे। अभी हमारा आटा तैयार हो गया है, अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे इस तरह। ये हमारी लोइयां बन के तैयार हो गई हैं, अब इसके अंदर हम थोड़ा मैदा लगाएंगे और इस तरह इसकी पूड़ी बना लेंगे। अब इसके अंदर हम इसे इस तरह रखेंगे, और 1 चम्मच इसके अंदर हमारा भरावन करेंगे, 1 चम्मच आधा चम्मच और ले लेते हैं इस तरह, और इसे इस तरह पलट देते हैं इस तरह, अंगूठे और उंगली से इसको दबाकर बंद कर देते हैं, और इसे इस कटर से इस तरह डिजाइन डालते हुए काट देते हैं। ये हमने इस तरह काट के भुजिया बना लिया है। ये हमारा भुजिया बन गया है, इसे अब हम एक प्लेट में थोड़ी देर रख देंगे सूखने के लिए। और दूसरी पूड़ी से इसे हम कवर कर देंगे इस तरह। और इस तरह हम इसे मोड़ के शेप देंगे, एकदम गोल शेप देंगे, जिससे ये बंद भी हो जाए और खुले नहीं जब हम इसे तलें तो। अभी हमारे सभी भुजिया बन के तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें गर्म तेल में डीप फ्राई कर लेंगे सुनहरे होने तक। अभी हमारे भुजिए तल गए हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इन्हें हम टिश्यू पेपर पर रख देते हैं, जिससे इनका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। हमारी सभी इंद्रायणी बनकर तैयार हो गई है, अब हम इसे गरम तेल में डीप फ्राई कर लेंगे इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। अब हम इसे चाशनी में इस तरह एक एक करके डीप करेंगे, और हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। थोड़ी सी खसखस डालेंगे, जो हमने पहले से सेक के रखी हुई है। अभी हमारे भुजिए बनके तैयार हुए, इनका एक्स्ट्रा तेल भी निकल गया है। अब हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे इस तरह। अब हमारे भुजियों पे हम थोड़ी सी चाशनी इस तरह, और इससे पिस्ते से इसको गार्निश कर लेंगे। हमारे भुजिए बनके तैयार हो गए हैं, आप इसे ठंडा और गरम दोनों सर्व कर सकते थे। खाइए और दीपावली पे इसका मजा लीजिए।